नाम प्रीति कुमारी, श्वेता कुमारी, सपना कुमारी, राधा कुमारी, निक्की कुमारी, सिंपी कुमारी, मनीषा कुमारी और निधि कुमारी, आपको बता दें, और ज्योति कुमारी। साथ में आपको बता दें कि पवित्र पर्व पूरे बिहार के लिए ही गर्व की बात है, ये खासकर बिहार के मिथिला में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मधुश्रावणी पूजा। इस मधुश्रावणी पूजा में सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो नवविवाहित लड़कियां होती है वही इस पूजा को मनाती है, या वो अपने ससुराल में हो या अपने मायका में हो। अगर वो ससुराल में है तो उसे मायका आना पड़ता है और मायका में वो इस पूजा को मनाती है। मैं आज पहुंच चुका हूं बिहार के दरभंगा जिला के लदारी गांव में। देख सकते हैं लड़कियां अपने घर से निकलकर दुर्गा स्थान जाती हैं, वहां से फूल पत्ती तोड़ती हैं, वो लेकर के फिर आती हैं जहां पे उनको जाना रहता है फुलोरी खेलने के लिए। वहां पर आइए हम आपको विशेष कवरेज दिखाते हैं। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे आइए सुनते हैं इंटरव्यू। बिहार के लदारी दिन हो गया, आज जो शुरुआत हुआ है इस पूजा का, 4 दिन हो गए, चौथा रोज हो गया, क्या अनुभव रहा आपका, कैसा, मतलब इस पर्व को मानती हैं आप? बहुत अच्छा मानती हैं। कैसे इस पर्व को क्या महान बनाता है, क्या ऐसा मतलब इसमें पूजा होता है या रीति रिवाज होता है जिससे इस पर्व को महान बनाता है? पूजा, रीति रिवाज, बहुत मतलब ये सब चीज़ें अच्छा लगता है करने में। हाँ। मतलब शादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर ये कोई बड़ा त्यौहार है तो आप लोगों के लिए यही है और इसमें ज़्यादा मज़ा भी आता है। ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। मतलब क्यों, ऐसा क्या होता है जिसमें? क्योंकि मधुश्रावणी होता है और इसमें 15 दिन तक मतलब करते रहते हैं, 15 दिन पूजा करते रहते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। विभिन्न तरह का पूजा होता रहता है इसमें। मतलब जो घर की जो मतलब पेरेंट्स रहते हैं या जो बाहर से कथा कहने के लिए आते हैं उनसे कैसा मतलब सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है उनसे? उनसे जो वो सिखाते होंगे ना कि ये पूजा करें, ऐसा करें, या नाग देवता हैं या विषहरा हैं, ऐसा कुछ उनकी पूजा करते हैं नाग देवता का। हाँ ठीक है, क्या नाम हुआ? नाम? हाँ, मनीषा। क्या कहना चाहती हैं इस पर्व के बारे में? ये मिथिला का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है मधुश्रावणी, जो भी मतलब मिथिला का सबसे इम्पोर्टेंट होता है वही पर्व है, और इसमें मतलब नवकन्या ऐसा होता है ना तो वो मायके आती है। ये पर्व चौथ मतलब चौथ से स्टार्ट होता है, पंचमी में इसका पर्व होता है, पावन मेन पॉइंट जो हुआ वहाँ से पंचमी और मधुश्रावणी, लास्ट पावन मधुश्रावणी हो गया, पंचमी हो गया स्टार्टिंग में, और यहाँ से बहुत मज़ा आता है। लोग मायके आते हैं, सुबह से फूल चुनना स्टार्ट करते हैं, मौका मिलता है बहुत ज़्यादा, कहीं पर भी रहे तो यहाँ पर आना ही पड़ता है, चाहे आप कहीं पर भी मतलब आउट ऑफ बिहार है या कहीं पे भी मधुश्रावणी में आना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ये होता है ना कि सारी सखी सहेलियाँ रहती है, फिर मतलब घर में जो भी है मतलब रिलेशनशिप मतलब जो भी रिश्तेदार लोग आते हैं यहाँ पे ये पर्व मनाने के लिए, और सुबह से फूल बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। जो नई दुल्हन रहती हैं उनको क्या दिक्कत होता है ससुराल में अगर करती हैं तो? दिक्कत ये होता है कि इतना इंजॉय नहीं कर पाती है वो लोग घर में बंद, क्योंकि वहाँ पे घूंघट की मतलब अंदर में रह के कोई भी कथा सुनो उसके बाद ये कोई लोड़ के ला देगा, खुद तो जाना नहीं पड़ता है। ऐसे में तो ये होता है कि सिस्टर लोग या जो भी है सब जाती है, सखी सहेलियाँ जाती है, और जितनी भी सहेली आपके साथ वो आपके साथ पढ़ती थी या मतलब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब मतलब सब ऐसे है मतलब अलग अलग है, ऐसा नहीं है। कैसा लग रहा है, सब लोग साथ में है? बहुत मजा लग रहा है, बहुत मजा। सबसे बड़ा एक चीज बताएं कि फूल तोड़ने का जो अनुभव है वो सबसे बड़ी बात आप बताएं कि फूल तोड़ने का अनुभव कैसा है, इतना भारी मात्रा में जो आप लोग फूल जमा करते हैं, इतने बड़े संख्या में आप लोगों को जमा करना पड़ता होगा, 10-10 लड़कियां हैं तो पूरे गांव में तोड़ती हैं या मतलब बाहर भी जाती हैं? नहीं, सब जगह से चुन-चुन के लाना पड़ता है। चुन-चुन के लाना पड़ता है। बहुत ये बताएं कि फूल के अलावा इसमें पत्तियां जितने भी हैं उसके बारे में रहती है तो उस सबका जरूरी है? सबको डालना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जाहिर जी, बहुत ज्यादा। उसके बारे में जरा अनुभव बताएं कि आप जाहिर जी, यही होता है कि मतलब उसका पावन होता है, मतलब सुबह में पूजते हैं, के बारे में बात करें, हाँ, जो गांव जाही जूही है इंपॉर्टेंट उसमें। हाँ। सुबह में पूजा करते हैं तो जाही जूही का ही पूजा होता है। अच्छा, जाही जूही? हाँ, जाही जूही का पूजा होता है। और कौन मतलब सा इसमें से है जाही जूही? जाही जूही ये सब है। अच्छा, अंदर में? अंदर में। ओके ओके जी। फिर मतलब वही तोड़ के लाती हैं सुबह सुबह, मतलब घर में रखती हैं? हाँ, फिर और ये शाम में सजाती हैं? हाँ, शाम में सजा के। और सुबह में क्या वहाँ पे पूजा करते हैं आप लोग सुबह में घर के? सुबह में पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं, यहीं ले जाते हैं सुबह में, उसका नाग देवता का पूजा होता है, फिर यहाँ का फूल मतलब ऐसा छिटाया जाता है,
फिर लावा देते हैं, दूध देते हैं नाग देवता को, वहीं से पूजा करते हैं, फिर हो जाता है पूजा। जो कथा कहती है वो कौन कहती है? हाँ वो बगल वाली दादी आंटी को जिसको आता है ना गाँव का, वही मतलब कथा कहती है, गाना होता है, सब टाइप का होता है। कैसा अनुभव रहता है? बहुत अच्छा फील होता है। और पहले देखते होंगे कभी किसी को या अभी आप खुद कर रही हैं तो मतलब क्या लग रहा है? जैसे 13 दिन तक नमक नहीं खाना है या 13 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा रूल नहीं है नमक नहीं खाना है। अच्छा ऐसा नहीं? नहीं नहीं, पहले ऐसा होता था रीति रिवाज में, पर ऐसा नहीं है अब। ऐसा है कि हाँ नमक भी खा सकते हैं, पर ऐसा होता है सूर्य अस्त होने से पहले आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ अड़वा रन में टाइप का खाया जाता है, मतलब कुछ भी प्याज व्याज ये सब कुछ भी नहीं है। मायके का इसमें कुछ भी नहीं खाना रहता है? नहीं, सब ससुराल का खाना रहता है, सब ससुराल का। और कोई इम्पोर्टेंट चीज जो इसको महान बनाता है इस त्योहार को आपके समाज और दूसरे समाज में? बिहार में ही ये मतलब जो मधुश्रावणी मनाया जाता है, यही है कि मधुश्रावणी दिन लास्ट जो होता है उसमें टेमी पड़ता है, वहाँ पे जलाया जाता है दोनों, यहाँ पे जलाया जाता है लड़की को, लड़की के लिए। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? प्रीति झा। अंतिम दिन के बारे में जरा बताएं कि अंतिम दिन क्या होता है, 13वां दिन जो पूजा होता है वो? 13वां दिन जो पूजा होता है वो सबसे पहले तो मधुश्रावणी कहलाता है, और वो मिथिलांचल का जितना भी सुहागिन रहते हैं अपने सुहाग के सुहाग को आगे ले जाने के लिए, दीर्घायु बनाने के लिए मधुश्रावणी का पूजा करते हैं, जिसमें जैसे जैसे मतलब स्टार्टिंग पंचमी से जैसे जैसे फूल लौटते हैं वैसे उस दिन भी लौटा जाता है। और सुबह में कथा सुन के सबसे पहले गौरी माता का पूजा किया जाता है, उसके बाद विसहारा का पूजा किया जाता है, तो लास्ट में मधुश्रावणी दिन भी वही होता है, सबसे पहले गौरी माता का पूजा किया जाता है, उसके बाद विसहारा का पूजा किया जाता है, उसके बाद चनाई का पूजा किया जाता है, फिर कथा सुनना रहता है, जो भी कथा कहने वाली दादी या चाची रहती है वो कथा कहती है, फिर उसके बाद एक साथिक पूजा होता है उसका पूजा करना रहता है, फिर उसके बाद टेमी पड़ता है लास्ट दिन। उसके टेमी का क्या तात्पर्य है, जो मतलब दुल्हन और जो वरवधु है उनसे टेमी का क्या तात्पर्य है? उनसे उसका ये तात्पर्य होता है कि टेमी जो डाला जाता है तो जिसको जितना जलता है उतना ज्यादा सुहाग बढ़ता है। अच्छा, मतलब सिर्फ पति के लिए है? हाँ सिर्फ पति। पत्नी के लिए ऐसा कौन सा त्यौहार है जो आप लोग मनाते होंगे, मतलब पति मनाते हैं? ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं है जो पति पत्नी के लिए, पत्नी को ही मनाना, पत्नी को ही त्यौहार मनाना। और जो सिंदूरदान जो होता है उस दिन, उसके बारे में बताएं, मतलब उस दिन होता है शादी? हाँ उस दिन सिंदूरदान होते हैं, तो जैसे फर्स्ट दिन पति सिंदूरदान करते हैं और चौथा दिन करते हैं, वैसे भी मधुश्रावणी दिन भी करते हैं। क्या नाम हुआ? सिंपी झा। कौन सा गांव? लादारी। अच्छा आपको जो लेते हैं क्या? बोर्ड बन चुका है। फुलबरिया है कितना दूर, गमक लगे फूलों की, फुलबरिया है फुलबरिया है, फुलबरिया है कितना दूर, गमक लगे फूलों की, उस फुलबरिया में क्या क्या बचत है, उस फुलबरिया में क्या क्या बचत है, ढोल मृदंग और झाल, गमक लगे फूलों की, फुलबरिया है कितना दूर, गमक
गमक लगे फूलों की। उस फुलबरिया में कौन कौन घूमत है, उस फुलबरिया में कौन कौन घूमत है। राम लखन सिया गमक लगे फूलों की, फुलबरिया है कितना।